A very good evening, class 10th and class 12th, who are appearing for their board examination this year. That is, I'm talking about 2022. You have your exam in a day or two, and I'm talking to these people. Now, this is the latest CBSE update on the basis of the webinar conducted today morning. So, the important information is, number one, absenteeism in term 1 or term 2. Matlab, aapne ya term 1 diya hai? या फिर आपने टर्म दिया है टू दिया है देन योर रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम दैट यू हैव गिवन. कैसे प्रिपेयर होगा कैसे नहीं प्रिपेयर होगा सीबीएसई विल टेक द डिसीजन ऑल इन द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट. बट अगर आप किसी इंपॉर्टेंट रीजन से फॉर ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट रीजन अगर आप नहीं दे पाए हैं एग्जाम देन योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम जो आपने दिया है. अगर आपने दोनों में से कोई भी एग्जाम नहीं दे पाए ना टर्म 1 दे पाए हो ना टर्म 2 दे पाए हो देन इन दैट केस द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट यू कैन बी आस्क्ड टू अपीयर नेक्स्ट ईयर. इट कैन बी लाइक अ रेगुलर स्टूडेंट भी कर सकते हो प्राइवेट कैंडिडेट भी कर सकते हो. यू माइट हैव टू गो टू अपीयर नेक्स्ट ईयर इफ देर इज नो सच प्रोविजन. सीबीएसई हैज टू स्टिल टेक अ कॉल ऑन इट. इट इज फॉर द सीबीएसई टू डिसाइड हाउ विल दे डिसाइड द रिजल्ट ऑफ सच अ स्टूडेंट. ऑल्सो The compartment papers में आप exam नहीं दे सकते. Please mind you, you will not be allowed to give the exam along with the compartment students because compartment exam will be taking place in one day. एक ही दिन में class 12th का compartment exam हो जाएगा. इससे ये भी समझ में आता है कि जस्ट इन केस आउट ऑफ योर 5 सब्जेक्ट्स आपका एक एग्जाम खराब हुआ है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट अ कंपार्टमेंट एग्जाम इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एक से ज्यादा एग्जाम आपके बहुत खराब हुए हैं देन द चांसेस आर दैट यू विल नॉट बी गेटिंग अ कंपार्टमेंट एग्जाम. सिंस एक ही दिन में सारे कंपार्टमेंट के एग्जाम हो जाएंगे इसका मतलब अगर आपने एग्जाम्स मिस कर दिए हैं तो आप सारे एग्जाम एक दिन में तो नहीं दे सकते ना. सो एब्सेंटिज्म अगर दोनों एग्जाम में से आप एब्सेंट हैं तो कंपार्टमेंट एग्जाम आपके लिए नहीं है. कंपार्टमेंट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका एक एग्जाम खराब हुआ है या एक एग्जाम मिस हुआ हो तब भी हो सकता है सीबीएसई मे कंसिडर गिविंग यू अ कंपार्टमेंट एग्जाम. मतलब कंपार्टमेंट अगर आएगी तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आएगी. अगर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको कोविड हो गया है देन यू विल बी गेटिंग अ सेपरेट रूम जहां पे आपको बैठ के एग्जामिनेशन देना पड़ेगा. एग्जाम्स अपियर्ड पार्शली मतलब 5 सब्जेक्ट्स में से आपने 3 एग्जाम दिए और 2 नहीं दिए हैं देन द सीबीएसई विल डिसाइड एट अ लेटर स्टेज. अभी तक कोई डिसीजन नहीं होगा. जब ये स्टेटस आएगा तब वो सीबीएसई अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगी क्योंकि आप कुछ एग्जाम दे पाए हैं और कुछ एग्जाम आप नहीं दे पाए हैं देन सीबीएसई विल टेक अ कॉल कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट कैसे बनेगा. अगर आपने कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस कर दिया है तो आपको ये एग्जाम देना ही है. बाय 5th ऑफ जून तक ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा एंड द मार्क्स विल हैव टू बी सेंट टू सीबीएसई. देर इज नो अदर वे. यू हैव टाइम इन बिटवीन सम ऑफ द एग्जाम्स. बीच में कहीं किसी एग्जाम के आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस किया है तो. इस बार ऑल द क्वेश्चन पेपर सेट्स विल हैव सिमिलर डिफिकल्टी लेवल्स. प्लीज द सीबीएसई थिंक्स एंड मेक्स द पेपर्स प्रिटी सेंसिबली. ये देख के बनाया जाता है कि सारे पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल सिमिलर हो ताकि रिजल्ट इज अनबायस्ड रिजल्ट ठीक हो. सो प्लीज डू नॉट वरी पेपर हार्ड होंगे ईजी होंगे ये आपका सोचने का काम नहीं है. यू ओनली नीड टू फोकस ऑन स्टडीज बिकॉज पेपर बनाने का काम सीबीएसई का है एंड दे आर डूइंग इट वेरी 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 वेल. ओके सीबीएसई ने ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करे हैं. दे विल बी इन द स्कूल सेंटर्स. स्कूल सेंटर के अंदर एक बाहर का आउटसाइड द स्कूल अथॉरिटीज ऑब्जर्वर हैज बीन अपॉइंटेड विच विल एंश्योर कि एग्जाम जो है वो बिना चीटिंग के कंडक्ट किया गया है. सो प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट एनी चीटिंग और यूजिंग एनी अनफेयर मीन्स बिकॉज यू वुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट. यू वुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम गिविंग योर बोर्ड्स. आई डू नॉट नो फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द सस्पेंशन ऑर्डर बट दिस ईयर तो यू विल डेफिनेटली बी सस्पेंडेड. प्लीज रीच योर एग्जामिनेशन सेंटर मच बिफोर टाइम. बेटा बहुत रश होता है सुबह के टाइम पे.
बहुत सारे बच्चे 10th एंड 12th के एग्जाम देने जाते हैं उस दिन, स्पेसिफिकली कॉमन एग्जाम वाले दिन, इंग्लिश का एग्जाम, ह्यूमैनिटीज़ वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले सब ये एग्जाम देने जाते हैं. मैथ्स का एग्जाम इज कॉमन टू साइंस एंड कॉमर्स एंड सम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स ऑल्सो. 10th वाले एग्जाम के दिन तो बहुत ज़्यादा रश होता है क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग फॉर द एग्जाम. सो प्लीज टेक द ट्रैफिक इन टू अकाउंट, उसके हिसाब से अपने घर से निकलेगा एंड रीच मच बिफोर टाइम. देर इज नो हार्म इन विजिटिंग अ सेंटर डे इन एडवांस. एक दिन पहले जाके आप सेंटर देख के भी आ सकते हो ताकि आपको रास्ता पता लग जाए. शॉर्टेस्ट रूट यूज कर लीजिए ताकि यू रीच ऑन टाइम. देर इज नो एंट्री टू द सेंटर आफ्टर 10 AM. मतलब प्लीज रीच द सेंटर 10 बजे से पहले पहले सेंटर के गेट के अंदर हो जाइएगा. 10 बजे के बाद आपको अंदर की एंट्री अलाउड नहीं है. एग्जाम स्टार्ट टाइम इज एट 10:30. एग्जाम 10:30 शुरू होगा लेकिन आपको 10 o'clock तक एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है क्योंकि इस टाइम के बीच में यू हैव टू लोकेट योर रूम, दे विल डू योर चेकिंग, यू हैव टू एंटर सम फॉर्मेलिटीज एंड देर इज ऑल्सो अ रीडिंग टाइम ऑफ 15 minutes विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑफ 2 hours. So between 10 to 10:30 you have many things which you have to do. Locate your place, your room, your center, your table, sit there, settle yourself and also then you have a 15 minute ka reading time. Also you have been given the admit card. This admit card is a very important document. You have to carry it every day of the exam. Isliye I would advise, please get it photocopied and keep it at home handy. Tell your parents or your brother or sister that where is the photocopy kept. In case aap bhool jate hain, travel mein cab mein reh jata hai aapka admit card aur aap center chale gaye bina admit card ke and you do not have copy, then it will be a problem. Ek copy bana ke, do copies bana ke ek mummy aur ek papa dono ko de dijiye, just in case aap center akele ja rahe hain aur aap bhool gaye to somebody from home will come and give you the admit card. एडमिट कार्ड के बिना सेंटर में एंट्री नहीं है. फाइन, एडमिट कार्ड हैज गॉट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. आई विल बी डूइंग माई सेकेंड वीडियो ऑन द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द एडमिट कार्ड. सो प्लीज कीप वॉचिंग द चैनल बाय सीमा माखीजानी. डू वेल इन लाइफ, डू ऑसमली वेल इन योर एग्जामिनेशन. ब्लेस यू लोड्स. बाय फॉर नाउ.